किया था आज हम क्वेश्चन नंबर सेवन के सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे जो कि लो ऑफ इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स लेक्चर 1.36 में हमने चैप्टर वन की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर सेवन के वन पार्ट को सॉल्व किया था आज हम चैप्टर वन की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेवन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास एफ ए एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है और फाइंड हमने करना है ए बी प्रोडक्ट का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास टू साइड्स हैं है टेक लेफ्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में लेती हूं ए बी होल इनवर्स मैं पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी ए है हमारे पास ए मैट्रिक्स है थ्री टू वन माइनस वन और बी मैट्रिक्स है टू फोर माइनस थ्री माइनस फाइव स्टूडेंट्स इन दोनों मेट्रिक को हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इनके रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस तरह से के ये रो है इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स की कॉल दोनों कॉलम्स के साथ वन बाई वन मल्टीप्लाई करना है फिर सेकेंड रो को इसी तरह से इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो आता है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के साथ तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वन हैल्टीप्लाई बाई टू प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से वन मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव इन से इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आता है थ्री टू दिक्स प्लस माइनस 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 सिक्स फोर्थ थ्री द प्लस माइनस माइनस फाइव टू इसी तरह से इस रो को हम सॉल्व करेंगे तो वन मल्टीप्लाई बाई टू टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस तो थ्री मल्टीप्लाई बाई वन थ्री प्लस थ्री वन मल्टीप्लाई बाई फोर फोर माइनस 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 फाइव के साथ भी माइनस है वन के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो गए प्लस 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 फाइव अंदर फाइव यहाँ इक्वालिटी का साइन है एंड इज इक्वालिटी का साइन ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी प्रोडक्ट था अब हमने फाइंड क्या करना है ए बी इनवर्स हमने फाइंड करना है ए बी इनवर्स तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला को सबसे पहले तो फार्मूला लिखते हैं ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू एड ऑफ ए बी ब्रैकेट में शो करेंगे क्योंकि एड ए और बी का है ए बी डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमने ए बी इनवर्स जो फाइंड करना है अगर हमारे पास एड ज्वाइंट ऑफ ए और ए बी डिटर्मिनेंट आ जाते हैं तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास ए बी इनवर्स आ जाएगा सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एड एडजॉइंट को लिखते हैं एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी थी इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो एडजॉइंट में हम स्टूडेंट्स डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज को चेंज किया तो आता है 9 0 और टू का साइन माइनस टू और फाइव का साइन माइनस फाइफ ये है एट ऑफ ए बी अब फाइंड आउट करना है ए बी डिटर्मिनेंट तो ए बी डिटर्मिनंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए बी मेट्रिक्स को वर्टिकल बार के अंदर पहले लिखेंगे जो है ज़ीरो टू फाइफ नाइन ज़ीरो टू फाइफ नाइन डिटर्मिनंट में हम स्टूडेंट्स ज़ीरो को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टू को फ़ाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस साइन है जीरो मल्टीप्लाई बाय नाइन माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू ज़ीरो को नाइन से मल्टीप्लाई किया जीरो माइनस फाइव टू द टेन हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो माइनस टेन है यानी डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं है तो हम लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ए बी एज़ नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि डिटर्मिनट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और अगर डिटर्मिनट की वैल्यू स्टूडेंट ज़ीरो हो जाए तो हम सोल्यूशन फ़ाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ए बी की जगह पर अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनेटी होता है और ए बी इनवर्स जो है वो मुमकिन नहीं है लेकिन जहाँ पर हमारे पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ही हम क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ए बी नॉन सिंगुलर है यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स है वो एग्ज़िस्ट करता है सो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट अब हम ए बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ लिखते हैं पहले फार्मूला फिर से ए बी इनवर्स का फार्मूला हमने लिखा था एट ज्वाइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं एट ज्वाइंट ऑफ ए की और ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एट ऑफ ए बी है हमारे पास फाइंड आउट किया था हमने नाइन माइनस टू माइनस फाइव ज़ीरो हम इसे लिखते हैं नाइन माइनस टू माइनस फाइव ज़ीरो नाइन माइनस टू माइनस फाइव जीरो ये है एड ज्वाइंट ऑफ ए डिवीजन में हमारे पास है ए बी डिटर्मिनेंट जो के आया है माइनस टेन हम लिखेंगे माइनस टेन इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो एड है और नीचे डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट को हम एड की तमाम एंट्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है नाइन डिवाइडेड बाय माइनस टेन माइनस टू -10, minus minus 10 minus -5 माइनस टेन माइनस फाइव माइनस टेन एंड जीरो डिवाइडेड बाय माइनस टेन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नाइन डिवाइडेड बाय टेन जो है इसी तरह से लिखेंगे माइनस नाइन ओवर टेन टू को टेन से कटिंग कर देते हैं तो आता है वन ओवर फाइव क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो वन ओवर फाइव फाइव टू द टेन यानी वन ओवर टू पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए हैं जीरो बाय टेन जीरो क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी हो वो जीरो हो जाता है तो ये हमारे पास आंसर था ए बी होल इनवर्स का अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को हम ब्लू कलर से सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमने प्रूफ करना है बी इनवर्स ए इनवर्स को सॉल्व करना है यानी कि पहले हम बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और ए इनवर्स और फिर जो हमारे पास मेट्रिक आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर पहले फाइंड करते हैं बी इनवर्स बी इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है एट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है एट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट यानी कि हमें सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट और एट ऑफ़ बी की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है तो हम एट जॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अगर बी डिटर्मिनंट की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाती है तो हम बी इन को फाइंड आउट नहीं कर सकते तो बी डिटर्मिनंट के लिए हम बी मेट्रिक्स को राइट करेंगे वर्टिकल बार के अंदर तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास टू फोर माइनस थ्री टू फोर माइनस थ्री माइनस फाइव ये है बी डिटर्मिनेंट की वर्टिकल बार के अंदर टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव माइनस अब थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर से ये इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर तो हमारे पास आता है माइनस फाइव टू द टेन माइनस माइनस प्लस फोर थी द टल्व टू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कि बी जो है वो नॉन सिंगुलर है बी इज नॉन सिंगुलर एंड वी कैन फाइंड द बी इनवर्स्यूशन वो पॉसिबल है तो यहाँ लिखते हैं अब हम फाइंड आउट करते हैं एट ज्वाइंट ऑफ बी इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा एट ज्वाइंट ऑफ बी में हम बी मेट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज को इंटर चेंज करेंगे बी हमारे पास है मेट्रिक्स टू माइनस फाइव तो टू माइनस फाइव की एंट्रीज को चेंज करें तो आता है माइनस फाइव टू और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे तो आता है माइनस फोर प्लस थ्री ये स्टूडेंट्स एट ज्वाइंट ऑफ बी है अब हम ए जो है बी इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं बी इनवर्स में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एट ज्वाइंट की वैल्यू पहले पुट करेंगे माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू और डिवाइडेड में है डिटर्मिनेंट बी का तो वो है टू स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे टू डिटर्मिनेंट को इस मैट्रिक्स एट के साथ डिवाइड नहीं करेंगे अभी हम मेट्रिक डिटर्मिनेंट को साइड पे कर लेते हैं इस तरह से माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू तो ये हमारे पास है बी इनवर्स अब हम फाइंड आउट करते हैं ए इन्वर्स इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो अब हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो ए इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं ब्लू कलर से ए इनवर्स इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ओवर ए डिटर्मिनेंट यानी कि सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं तो ए डिटर्मिनेंट को ए मैट्रिक्स को हम राइट करेंगे डिटरमिनेंट में यहाँ हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स थ्री टू वन माइनस वन ये हमारा ए मैट्रिक्स जो है वर्टिकल बार के अंदर लिखा है अब हम डिटर्मिनेट को इस तरह से फाइंड करेंगे कि थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस साइन लगा कर वन को टू से तो लिखते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री माइनस टू तो हमारे पास डिटर्मिनट की वैल्यू आती है माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का है तो फाइव इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स कि इसका भी सोलूशन पॉसिबल है बिकॉज ए इज़ नॉन सिंगुलर एग्जस्ट so, अगर ए इन्वर्स एग्जस्ट करता है तो उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एट जॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए हम यहाँ डायरेक्ट डिफाइंड कर लेते हैं ए मेट्रिक्स को देखते हुए ए मेट्रिक्स को देखते हुए एड ज्वाइंट में हम डायगनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे डायगनल एंट्रीज हैं थ्री माइनस वन तो हम लिखेंगे माइनस वन थ्री और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे तो टू पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और वन जो है पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया ये हमारे पास आता है एट ज्वाइंट ऑफ ए ये हमने ए मैट्रिक्स से फाइंड आउट किया है अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है माइनस फाइव यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करेंगे साइड पे रख लेंगे माइनस फाइव जब हम ए इन वर्ड्स और बी इन वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस वन थ्री ए इनवर्स अगर यहाँ मैं डिटर्मिनंट को मैट्रिक्स से डिवाइड करती हूँ तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अपनी आसानी के लिए हमने अभी डिटर्मिनंट को साइड पे कर दिया है और फिर जब बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम उनके डिटर्मिनट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स आ गया है ए इनवर्स अब हमने जो राइट हैंड साइड थी वो थी बी इनवर्स ए इनवर्स तो हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स अगर आप ए इनवर्स को पहले रख देंगे और बी इनवर्स को बाद में तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा सबसे पहले आपने बी इनवर्स रखना है जो क्वेश्चन में है फिर ए इनवर्स तो बी इनवर्स को यहाँ राइट करेंगे पहले बी इनवर्स हमने जो फाइंड आउट किया था जो बॉक्स में बंद किया था वो है वन बाई टू माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू और वन बाई टू इसे एक दफ़ा फिर से कंफर्म कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए तो माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू वन बाई टू हमने सही इसे राइट किया है माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू वन बाई टू अब हम यहाँ पर बी ये हमने बी इनवर्स की वैल्यू को लिखा है ये बी इनवर्स है अब हम ए इनवर्स को ए इनवर्स की वैल्यू को लिखेंगे जो कि हैं यहाँ पर एक ब्रैकेट शो कर देते हैं माइनस वन ओवर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस वन थ्री ये बी इनवर्स और ये ए ये पूरी वैल्यू बी इनवर्स की है और ये पूरी वैल्यू ए इनवर्स की है तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए पहले डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड पे कर लेते हैं वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय फाइव यहां पर है साथ में माइनस साइन और यहाँ पे टू मेट्रिकीज मल्टीप्लाई हैं माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू और दूसरी मैट्रिक्स है माइनस वन माइनस टू माइनस वन थ्री टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव टू द टेन माइनस सात में है ये जो टू मेट्रिस मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको हमने रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस रो को हम दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू एंड प्लस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सोल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस वन और माइनस फोर प्लस हो गए प्लस 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 यानी कि फोर वन द फोर इस साइड पे राइट साइड पे देखें तो माइनस फाइव माइनस टू माइनस माइनस प्लस फाइव टू द्लस टेन हो गया प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हम साइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस फोर थ्री द अब सेकेंड रो की तरफ आए तो थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन थ्री टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू सेकेंड कॉलम में आए तो आता है थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू थ्री टू सिक्स प्लस थ्री टू दिक्स यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं फाइव प्लस फोर नाइन टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू प्लस माइनस माइनस प्लस तो थ्री प्लस टू फाइव साइन माइनस का माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो और यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद आया था माइनस वन ओवर टेन अब इस डिटर्मिनेंट को हम इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आता है नाइन डिवाइडेड बाय टेन माइनस के साथ माइनस टू डिवाइडेड बाई टेन माइनस

टू फाइव द टेन इसको कटिंग हो गया ओवर फाइव पॉजिटिव में आ गया क्योंकि टू नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो गए फाइव वन दाइव फाइव टू वन ओवर टू एंड जीरो तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर आया है हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक कर लेते हैं कि वो क्या है जिसको हमने वन का नाम दिया था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है इसको वन का नाम देते हैं माइनस नाइन बाई टेन वन बाय फाइव एंड वन बाई टू ज़ीरो तो हम चेक करते हैं हमारे राइट हैंड साइड का आंसर क्या है मैच करता है कि नहीं तो हमारे जो राइट हैंड साइड का आंसर है स्टूडेंट्स वो है माइनस नाइन बाय टेन वन बाय फाइव वन बाई टू जीरो डेट इज़ सेम टू द लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिख सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है ये जो मैट्रिक्स है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मींस जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स